हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कॉम्पिटेटिव सेवन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली मॉर्निंग में हम स्पेशल बिहार का जीके लाते हैं और जो है आज फिर लाए हैं। ये जो है प्रैक्टिस सेट 3 है फ्रेंड्स, तो आप जो है इसे रेगुलर प्रिपरेशन करें और इसे समझ और जो है रिक्वायरमेंट से रिलेटिव मैं वीडियो भी लाता हूँ, जो कि अभी कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आप लोग से शेयर कर सकूँ। जैसे ही कुछ रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं आप लोग से शेयर ज़रूर करूँगा फ्रेंड्स। और मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो रिक्वायरमेंट से हो चाहे एजुकेशन से हो फ्रेंड्स, क्लियर होता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, इंसान ही हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज का बिहार स्पेशल की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात की बात करें तो हमारा हो जाएगा 918 महिला के प्रति 1000 पुरुष। 918 अनुपात ऐसे बोल सकते हैं, 918 अनुपात 1000, 918 महिला पर 1000 पुरुष। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बिहार राज्य की साक्षरता दर कितना है। तो बिहार राज्य की साक्षरता दर अगर की बात कर लें तो बिहार राज्य की साक्षरता दर जो है वो 61.80 है फ्रेंड्स, 61.80% है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिहार राज्य की पुरुष की साक्षरता दर कितना है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक साक्षरता दर है, एक है बिहार के पुरुष साक्षरता दर। तो बिहार राज्य की पुरुष साक्षरता दर है तो उसकी बात हम कर लेते हैं, तो 71.20% है। एक सवाल और बन के आएगी, कंफ्यूज मत होइएगा कि बिहार राज्य की शहरी पुरुष की साक्षरता दर क्या है, ग्रामीण पुरुष की साक्षरता दर क्या है। तो ये सब आपको कैच करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये सब आपको समझना पड़ेगा। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 10 and 100% जो है BSSC मेंस में और BSSC इंटर पूछा ही जाता है फ्रेंड्स, एक आध दो क्वेश्चन। और बिहार से जितने भी रिलेटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो है अक्सर देखे ही जाते हैं। और भी मैं पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, सभी निचोड़ जो है बिहार के सारे GK जो है देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर वहीं बात कर ले बिहार राज्य की महिला साक्षरता दर, तो बिहार राज्य की महिला साक्षरता दर की बात कर ले फ्रेंड, तो ये जो है हमारे हो जाएगा कितना है बिहार राज्य की महिला साक्षरता दर की बात अगर कर ले तो ये हो जाएगा 61. अगर वहीं बात कर ले तो 51.50% हो जाएगा फ्रेंड। और जो है पुरुष को तो आपको बता ही चुका हूँ कि पुरुष साक्षरता कितना है, 71.20% है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य की मुख्य फसल क्या है। तो बिहार राज्य की मुख्य फसल जो है वो जो है इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, इनमें से जो है सभी हो जाएगा। और जो है धान गन्ना बताते चलूँ, चना ये तो है, एक फसल और है जो है गेहूँ। ओके फ्रेंड्स, गेहूं और मकई भी जो है यहाँ की खाद्य फसलें, बिहार राज्य की मुख्य फसलें हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है, गेहूं, धान, मकई, चना और गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि बिहार राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या कितना है। अब जो है तो इसकी बात कर लेते हैं, तो ये टोटल 44,874 राजस्व ग्रामों की संख्या हुई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लें तो बिहार राज्य की लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, यानी बिहार राज्य में लोकसभा जो है लोकसभा क्षेत्र जो है कितना है। तो इसकी अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स कि बिहार राज्य में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या की बात कर लें तो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स कि जो है यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितना है, 40 है। नेक्स्ट है कि
बिहार राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बिहार राज्य में राज्यसभा सदस्यों की अगर संख्या बताएं तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर 16 हो जाएगा, राज्यसभा सदस्यों की संख्या। वहीं बात कर लें कि बिहार राज्य में विधानसभा क्षेत्रों में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कुल जो है 243 सदस्य हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वहीं बात कर लें कि बिहार राज्य में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन है, तो जो है किशनगंज है फ्रेंड्स। तो यही हमारा 10 क्वेश्चन जो है डेली बिहार स्पेशल में दिया जाता है। फिर भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग अगर बाय मिस्टेक हो जाए तो आप लोग जो है इसे कमेंट बॉक्स में ध्यान से भी आप लोग का भी ये दायित्व बनता है कि आप लोग भी देखें। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सर सटीक जो है प्रश्न को बताने का और इसकी आंसर बताने का। तो फ्रेंड्स यही है, आशा करता हूँ कि ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी भायल बोस हो जाता है ऐसा कुछ तो जो है बोल बस, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर बिहार स्पेशल और बीएसएससी इंटर लेवल और इवनिंग क्लास को जो है आप वॉच कर सकते हैं। वहाँ प्लेलिस्ट में दर होगा बीएसएससी इंटर लेवल्स का जो है सारा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, इवनिंग क्लास वहाँ लिखा होगा या फिर बिहार स्पेशल लिखा होगा। अब जो है बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो वहाँ जो इवनिंग क्लास या फिर बीएसएससी करके लिखा होगा वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे बिहार स्पेशल भी होगा, मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, वहाँ जाके वॉच करें।